किसी भी देश की खुफिया एजेंसी की बात करो या डिफेंस एजेंसी की, ये एजेंसी उस देश के लोगों की सेफ्टी के लिए होती हैं। अब बात चाहे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की बात कर लो या फिर पाकिस्तान की ISI की, लेकिन हैरानी तब होती है जब ईरान में जो मॉरेलिटी पुलिस के नाम पर जो खबरें आती हैं वो अक्सर दुनिया भर में एक बहस का मुद्दा क्रिएट करता है। उसके बाद उसकी इस तरह से मॉरल पॉलिसिंग के नाम पर लोगों की जान लेना दुनिया को हैरान कर देने वाले इंसिडेंट्स हैं। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या कोई एजेंसी, स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसी, अपने ही देश के आम लोगों पर इस तरह के अत्याचार कैसे कर सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के मामले में ये देश इकलौता है, तो नहीं, ये एक इकलौता देश नहीं है जहां सरकार अपनी मनमानी चलाने के लिए किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल जनता पर कर रही है। ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे हैं जहां सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन सरकारी एजेंसीज का यूज अपने फायदे के लिए करती है। बांग्लादेश में भी ऐसा काफी कुछ हो रहा है। जी हां, और आज बांग्लादेश में रैपिड एक्शन बटालियन का खौफ फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, लोग इसे मौत के दोस्त के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वेट, देश के अंदर एक ऐसी एजेंसी जो देश के हित में काम करने के लिए जिम्मेदार है, भला वो वहां के लोगों को परेशान क्यों कर रही है? और ऐसा क्या रीजन है जो इस बटालियन को इतना खतरनाक माना जा रहा है? इस बटालियन का इतिहास क्या है और क्यों इस बटालियन पर इतने इल्जाम लग रहे हैं? तो बिना आपका टाइम खराब किए चलिए बताते हैं कि क्या है ये रैब। देखिए, हीरो की ड्रेस में अगर कहीं विलेन का रोल रियल लाइफ में देखना है तो ये बात असल में बांग्लादेश की एलीट फोर्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। साल 2004 में बांग्लादेश में रैपिड एक्शन बटालियन की स्टैब्लिशमेंट आतंकवाद और दूसरे क्रूअल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए की गई थी, लेकिन समय के साथ इसका मकसद ऐसे मानो जैसे 360 डिग्री पर घूमकर बिल्कुल बदल गया। ये इतना बदला कि रैप को डेथ स्क्वाड यानी कि मौत के दोस्त के नाम पर जाना जाने लगा और इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, गैर कानूनी हत्या, घूसखोरी समेत कई संगीन आरोप लग चुके हैं। लेकिन कैसे ये बटालियन जनता की रक्षा करने के बजाय उनके लिए खलनायक बन गई, ये जानने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। लेकिन उससे पहले आपको रैप से जुड़ी करतूते भी बताते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि इसे मौत का दोस्त क्यों कहा जा रहा है और आखिर क्यों ये रैप आज बांग्लादेश में बहस का मुद्दा बनकर खड़ा है। दरअसल इसका पहला किस्सा 2009 में सामने आया। बांग्लादेश में 16 दिसंबर 2009 को फोन पर मिली एक टिप के बेसिस पर रैब की एक टीम मदारीपुर की तरफ निकलती है। उन्हें खबर मिली थी कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वा बांग्ला कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ मेंबर्स वहां मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होने जा रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग कर पाते उससे पहले ही रैब ने मौके पर पहुंचकर उन्हें घेरने की कोशिश की। रैब का ये प्लान था ही नहीं कि इस भीड़ को समझाकर उन्हें वापस भेजा जाए, बल्कि वो उन्हें वहां पर अरेस्ट करने के इरादे से ही पहुंचे थे। लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब वहां मीटिंग करने पहुंचे लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनके ऊपर गोलीबारी होने लगी। इसके बाद दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग होने लगी और मुठभेड़ में दो लोगों की मौत हुई। लुत्फर रहमान खलासी और खैरुल हक खलासी दोनों भाई थे। उनके पास से 3 रिवॉल्वर, 1 राइफल और कुछ गोलियां बरामद हुई। मुठभेड़ के बाद रैब के ऑफिसर्स ने कहा कि उन्हें मीटिंग की जानकारी फोन पर मिली थी, वो उन्हें अरेस्ट करने आए थे और पहले उन लोगों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। ऐसे में अपने बचाव में रैब को भी फायरिंग शुरू करनी पड़ी। अब ये तो था रैब का एक वर्जन जिसमें वो क्रूअल्टी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? आपको ये बता दें कि जिन दो भाइयों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया जा रहा था उन्हें रैब को 3 दिन पहले यानी कि 13 नवंबर 2009 को उनके घर से गिरफ्तार किया था। 14 नवंबर को उनके घर वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्हें ये डर भी था कि रैब की हिरासत में उनकी हत्या भी की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस डर का इजहार पब्लिकली भी किया। उन्होंने सरकार से उनकी सेफ्टी इंश्योर करने की अपील की, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुठभेड़ की खबर आ ही गई और ये दोनों मारे गए। ये किसी बॉलीवुड मूवी की जबरदस्त मिस्टीरियस स्क्रिप्ट से कम नहीं था। वहीं जब रैब से इसके लिए सबूत मांगे गए तो भाई उसके पास इस हादसे का कोई पुख्ता कारण नहीं था। 17 नवंबर को हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, कहा कि 48 घंटे के अंदर दोनों भाइयों की मौत किन कारणों से हुई इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोर्ट के सामने रखें। तब रैब की तरफ से लॉ ऑफिसर अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि ऐसी कोई मुठभेड़ हुई ही नहीं और ये भी कहा कि उनका कोई ऑफिसर इस तरह की घटना में शामिल नहीं था। ये मामला एक बेंच से दूसरी बेंच के बीच चलता रहा। दोषियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये ऐसा एक मामला नहीं है बल्कि ऐसे और कई मामले आए दिन बांग्लादेश से सुनने में आते रहे हैं। अब क्योंकि इसमें सरकार अपना उल्लू सीधा कर लेती है इसलिए रैब पर किसी तरह का दबाव भी नहीं बनता। देखना यह है कि बांग्लादेश के लोगों को ये जुल्म कब तक सहना पड़ता है।
चलिए बताते हैं कि आखिर किस तरह रैप का जन्म हुआ। देखिए रैप की स्थापना 2004 में हुई थी। उस समय बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी। बांग्लादेश में ये वो दौर था जब क्रिमिनल एक्टिविटीज टॉप पर थी और बीएनपी देश भर में बढ़ रहे अपराध को खत्म करने का दावा करती रहती थी, लेकिन सच्चाई क्या थी ये सब जानते थे। अब चूंकि पुलिस इसमें सक्सेस नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक नई पैरामिलिट्री फोर्स का असेंबल किया गया। इसमें मिलिट्री के साथ साथ पुलिस के लोगों को भी शामिल किया गया और इसी अपराध को खत्म करने के लिए रैब को अनलिमिटेड पावर्स भी दी गई। अब शुरुआत में तो रैब ने कई बड़े क्रिमिनल्स को रास्ते से हटाया। उनकी एक्शन के बाद क्राइम का रेशियो थोड़ा कम हुआ, इस वजह से उन्हें आम जनता का सपोर्ट भी मिलने लगा। फिर क्या था, रैब धीरे धीरे जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो चुकी थी और यहीं से साहब रैब की एक नई कहानी शुरू होती है, क्योंकि इसी की आड़ में ये सरकार के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम भी करने लगी। और वो जितने भी लोगों को इस तरह मारती या गायब करती थी, वो इस काम को मुठभेड़ का नाम देने लगी ताकि किसी को इस चीज का शक ही ना हो। इतना ही नहीं, बटालियन के ऑफिसर्स बंद दरवाजे के पीछे इसे जायज भी ठहराते थे। साल 2009 में विकीलीक्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे। बता दें कि विकीलीक्स एक पब्लिशर और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाम रूप से दिए गए सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया है। अब इस रिपोर्ट में 2005 में रैप के एक सीनियर ऑफिसर और अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत दर्ज है। इसमें रैप ऑफिसर कहते हैं कि मुठभेड़ बहुत जरूरी है, हम 14 करोड़ की आबादी वाले एक गरीब देश हैं। इतनी बड़ी आबादी में से अगर 100-200 लोग मर भी जाते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विकीलीक्स इसी तरह की खुफिया खबरें लीक करने के चलते कई सभी जगह बैन कर दिया गया। लेकिन अगर विकीलीक्स झूठी खबरें और इन्फॉर्मेशन फैलाता था तो इससे सरकारें क्यों डरने लगी और क्यों आज भी जूलियन असांज को अमेरिका अपनी कस्टडी में चाहता है? अगर इस बात को जानना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर विकीलीक्स पर बनी वीडियो जरूर देखो ताकि आपको पता चले कि विकीलीक्स और जूलियन असांज कौन है। खैर मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए 2009 में बांग्लादेश में सरकार बदल गई। आवामी लीग के शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। उनकी पार्टी खालिद जिया की सरकार को रैप के नाम पर घेरा करती थी और सबको लगा शायद अब रैप के खिलाफ अब कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सरकार में आते ही उनका रैप के अगेंस्ट विरोध खत्म हो गया और उन्होंने रैप बटालियन को खत्म करने के बजाय उसे वैसे ही बरकरार रखा। इसके साथ ही इलीगल एक्शन का सिलसिला भी जारी रहा, या फिर अगर ये कहा जाए कि उनका दायरा समय के साथ बढ़ता चला गया। बांग्लादेश में अभी भी शेख हसीना की सरकार है। जानकारों का कहना है कि रैप खालिद जिया के समय में अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाती थी, अब वो अवामी लीग के विरोधियों को निशाना बनाती है। हर सरकार ने इस बटालियन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और ये आज साफ भी है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो ऐसी किसी भी एजेंसी को कभी भी उखाड़ कर फेंक सकती है। बता दें कि अमेरिका ने साल 2021 में इसी के बेसिस पर रैब और उसके साथ इंजीनियर ऑफिसर्स पर बैन लगा दिया था। इसी तरह का दावा यूरोप के उसके कई सहयोगी देश भी करते हैं, हालांकि कई बार उनके दावों में भारी अंतर दिखता है। इस अंतर की पुष्टि अल जजीरा की रिपोर्ट्स में भी हुई है। 7 और 8 दिसंबर को अल जजीरा ने रैब से जुड़ी 2 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की। इसमें दस्तावेजों के हवाले से कहा गया कि भाई पोलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश रैब के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें वे अधिकारी भी हैं जिन्हें अमेरिका ने 2021 में प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में डाल दिया था। वहीं अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार से रैब को भंग करने की मांग भी की थी, लेकिन बांग्लादेश ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि रैब में कुछ बुरे लोग जरूर हैं, हम उनको हटाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यहां तक कहा कि लोग तो अमेरिका और ब्रिटेन में भी गायब होते हैं, हमारा रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। अब ऐसे में क्या रैब में सच में गिनती के ही बुरे लोग हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आंकड़े इस दावे को गलत ठहराते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में गुमशुदा किए गए लोगों और गैर न्यायिक हत्याएं या फिर एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग के पीड़ितों के सगे संबंधियों की मदद के लिए एक संगठन बना है, अधिकार मंच। इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2020 के बीच रैब 1000 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रही है। 2009 से 2019 के बीच 500 से ज्यादा लोगों को गायब किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ रैब पर हिरासत में टॉर्चर के भी आरोप लगते हैं। इस लिस्ट में कई विपक्षी नेता, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर और दूसरे लोग शामिल हैं, क्योंकि रैब को सरकार का फुल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो अपराध के खिलाफ जंग लड़ने के नाम पर कुछ भी करने के लिए आजाद है। इसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से मिलता है कि रैब खालिद जिया और शेख हसीना दोनों की सरकारों में फलती फूलती रही है। लेकिन आज रैब इतनी चर्चा में क्यों है,
ये भी जान लेते हैं। तो दरअसल अल जजीरा ने रैप की ट्रेनिंग पर रिपोर्ट्स की एक सीरीज पब्लिश की है और रिपोर्ट के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसमें ये है कि मार्च 2022 में रैप के 9 अधिकारी पोलैंड और नीदरलैंड्स में ट्रेनिंग के लिए गए थे। वहां उन्हें विदेशों से खुफिया जानकारी जुटाने की ट्रेनिंग मिली। वहीं सितंबर 2022 में रैप के 3 अधिकारी पुलिस डॉग्स का निरीक्षण करने के लिए नीदरलैंड्स के दौरे पर गए थे। अब रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2022 के बीच रैब के अफसर कम से कम 25 बार यूरोप के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने सर्विलांस इक्विपमेंट चलाने की ट्रेनिंग भी ली। रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि रैब के अधिकारियों को टॉर्चर और पूछताछ के अलग अलग तरीकों पर वर्कशॉप अटेंड करते हुए देखा गया है। वापस लौटने पर उन्होंने इसको अपने यहाँ भी लागू किया। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, वो ये है कि जब अमेरिका ने रैप पर बैन लगाया तो उसके सहयोगी देश ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इसको लेकर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन कई देशों का समूह है, उनके बीच आपस में सहमति बनाना मुश्किल रहता है। अलग अलग देश अपने फायदे के मुताबिक फैसले लेते हैं, इसलिए रैप पर यूनाइट होकर फैसला लेना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या रैप कभी खत्म हो पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।